अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जूबीज किचन। आज मेरे किचन में बन रहा है मटन चने, मेरे स्टाइल में। मटन चने बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। आधा किलो हमने मटन लिया है, 3 अदद हमने प्याज लिए हैं जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, 1/2 किलो हमने जो हैं चने लिए थे उन्हें हमने भिगो के 1 घंटा और बॉईल कर लिया है, 2 टीस्पून सूखा धनिया, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून साबुत जीरा, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 सिनेमन स्टिक, 4 हरी मिर्ची ली थी जिसे काट लिया, 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन, 3 छोटे साइज के टमाटर। चले आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने पैन लिया है, उसको गर्म कर लिया। अब इसमें 1/2 प्याली ऑयल की डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज थोड़ी सी हमारी फ्राई हुई है तो हमने इसमें लहसुन और अदरक ऐड किया, अब इसको भी साथ फ्राई करेंगे। 2 मिनट हमने लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई किया, अब हम इसमें जो साबुत गरम मसाला है वो ऐड कर देंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे। 2 मिनट तकरीबन हमने जो है साबुत गरम मसाले को फ्राई किया प्याज के साथ, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 1 मिनट हमने टमाटर को फ्राई किया प्याज के साथ, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस को अच्छे से भूनेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको मसाले को अच्छे से भूनेंगे। देखें व्यूवर्स, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। देखें व्यूवर्स, मसाला हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए हैं। देखें गोश्त का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1/2 लीटर के करीब हमारे पास पानी है। मिक्स करेंगे, इसको बॉयल आ चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर को लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं हमारे। फ्लेम को अब ऑफ करते हैं और इसको खोलते हैं। देखिए पानी हमारा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। 2 टेबलस्पून अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और उसको गोश्त को भूनेंगे अच्छे से। तकरीबन 2 मिनट हमने दही को गोश्त के साथ भुना है, अब इसमें चने ऐड करेंगे। चने ऐड करके हमने तकरीबन 2 मिनट इसको चनों के साथ भुना है, अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। हमारे जो मटन चने हैं वो बहुत ही मज़ेदार बने हैं और ये डिश आउट के लिए रेडी हैं। आए डिश आउट करते हैं।